उत्तराखंड के सुल्तानपुर में ग्राम कोसी काटा में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मौके से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर का भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि ग्राम कोसी काटा रतनपुर निवासी हरदयाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि लोगों द्वारा जान से मारने की नीयत से उसके सर पर हमला कर दिया था, जिससे वह बाल बाल बच गया। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि दो लोगों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर तमंचे से फायर करते हुए जान से मारने की धमकी दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने शाहरुख पुत्र महबूब अली निवासी धनसारा एवं कालू के विरुद्ध धारदार हथियार से हमला करने, तमंचे से फायर करने तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। देखिए, कल ये दिन की घटना है। हरदयाल सिंह जो कि ग्राम कासी कोकाटा के हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इनके खेत के पड़ोस से ही एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी और वो मनमाने तरीके से चला रहा था, जिससे कि इनका खेत खराब हो रहा था। तो इनके द्वारा उसको रोका गया। इस बात से नाराज होकर के ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपने साले और कुछ अन्य लोगों को मौके पर बुलाया गया, और बुलाने के बाद इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी, इन पे धारदार हथियारों से हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की गई। चूंकि घटना गंभीर थी, फायरिंग की सूचना हमें मिली थी, तत्काल थाने से टीम मौके पहुंची, चौकी प्रभारी हमारे पट्टी मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद स्थिति को देखा गया। बाद में आस पड़ोस में पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें जो नाम आया, एक शाहरुख करके है, पुत्र महबूब, ये एक सातिर किस्म का व्यक्ति है, और इसके द्वारा वहां पे अपने साले कालू जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था और एक अन्य लड़का जो गोविंदा था उसके साथ इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।